गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रिंतन अकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6D क्लास सेवन मैथ्स चैप्टर अलजेब्रा एक्सप्रेशन। सो हम कंटिन्यू करेंगे 20 क्वेश्चन से। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम 19th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। सो नाउ 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो ये रहा नोट डाउन कर लेता हूँ मैं। 3x + 2y - 4। ओके, सो अभी हो जाए 3x² - y - y gives - 3xy। ओके, क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई हो गया और वहाँ कोई और कॉन्स्टेंट नहीं है तो इसलिए 2 ही रहेगा। ओके, सो ओके, तो क्लियर है हमने कैसे किया। सो देखिए, ये और ये सॉल्व हो रहा, ये और ये सॉल्व हो रहा, ये आएगा -x - xy - 2y². एक बार चेक कर लेते हैं हमारा यही आंसर है कि नहीं। एक सेकेंड, हमने मिस्टेक कर दी, स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ हमने स्क्वायर नहीं लिखा। ओके, सो वापस करते हैं। अभी एक और बार चेक कर लेते हैं, 3x² ठीक है, बाकी सब सही है। सो हमारा आंसर आ जाएगा 3x² - xy। तो ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 21। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, एक सेकंड, पेन नहीं चल रहा, एक सेकंड रुके। यस, सो ये कर लेता हूँ नोट डाउन। ओके, क्लियर है। तो जाएगा 2x³ + 3xy, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, क्यूब बन जाएगा ना, और इसको मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर बन जाएगा, -6x² + -6 हो जाता 9x। ओके, और कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ,
तो इसलिए हम ओनली x लिखेंगे. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 विद 2x प्लस 3 प्लस 14x प्लस 21. ओके, क्लियर है? तो अभी ये हो जाएगा 5. एक सेकंड, कर लेते हैं सॉल्व. माइनस 3x स्क्वायर, पर चेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है ना. नहीं, माइनस 3x स्क्वायर आएगा एक तो. अब ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 14 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 5 प्लस. ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 22. नाउ लेट अस, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 था ये. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 22. सो 3x का प्लस 5x माइनस 9 मल्टीप्लिकेशन साइन लगा देता हूँ, बहुत गैप छोटा हो गया. ओके, सो ये हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया. ठीक है, समझ आ रहा है कैसे किया? देखें, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3×3=9 होता, दोनों पॉजिटिव है. अगर एक भी नेगेटिव होता तो आंसर नेगेटिव में आता, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, और अगर दोनों नेगेटिव के होते तो आंसर पॉजिटिव का आता. ओके, सो अभी ये हो जाएगा क्यूब 9x क्यूब. ओके, ऐसे ही हमने ये किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, क्लियर है? सो अब हम ये 5x ब्रैकेट 3x माइनस 9 को सॉल्व करेंगे. ओके, सो मुझे 15 ये हो जाएगा 15x को. ओके, अब 9×5=45 होता, सो माइनस 45 एक्स हो जाएगा. माइनस क्यू 5x है ना, मल्टीप्लाइड बाय माइनस 9 है, और कोई वेरिएबल है नहीं 9 के साथ, तो हो जाएगा माइनस 45x प्लस माइनस माइनस होता. ओके, बहुत बार बताया मैंने आपको प्लस माइनस माइनस होता. ओके, इसमें कोई याद करने की चीज़ नहीं है, बस ये समझना है कि प्लस और माइनस अगर है तो माइनस होगा, माइनस माइनस है तो प्लस होगा. ओके, सो फर्दर सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा माइनस 27x प्लस 81. ओके, क्लियर है? याद है? अब ये देखिए, ये हो जाएगा 12x को माइनस का माइनस 72x प्लस 81. इन दोनों को प्लस किया ना, माइनस 45 माइनस 27, और x x तो है ही, x आना ऑब्वियसली दोनों में, तो ये 72. ओके, सो दिस वाज आवर 22nd क्वेश्चन.
Now let us see 23rd question. So अभी हमने 22nd क्वेश्चन किया था, सो अब 23rd वाला क्वेश्चन करते हैं. ओके, समझ आया हमने कैसे किया? मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, इजी से. ठीक है, आपको अब समझ आ गया होगा. मैं 23 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने आपको, टोटल 22, ये तो हम 23rd कर रहे हैं. मैं आपको टोटल 23 करवा दिए हैं, इस टाइप से वो समझ में आ जाना चाहिए. अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ओके, सो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन कर करके कि कैसे क्या हो रहा है. ओके, ये क्लियर हुआ? एज इट इज उतार लेंगे इसको भी, एज इट इज उतार लेंगे. कुछ गलती की है हमने शायद से? नहीं, यहाँ कुछ गलती नहीं. ओके, ये क्लियर हुआ कैसे क्या? सो नाउ लेट अस सी 24th क्वेश्चन. अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ये कर रहा हूँ. ओके, यहाँ क्वेश्चन के लिए लिखा है. क्लियर हो? देखिए ये दोनों कट होंगे, ये दोनों भी कट होंगे तो बचेगा. ओके, सो दिस वाज आवर 24th क्वेश्चन. नाउ लेट अस से 25th क्वेश्चन. सो देखिए 25th क्वेश्चन.
ओके इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई किया और एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया। ओके ओके क्लियर है, तो ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, फाइनल आंसर ये आएगा। देखिए मैं बोल नहीं रहा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, इससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको इससे, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया ये। ओके करना क्या होता है, अभी मैं 26th क्वेश्चन आपको ये, चलिए यही समझा देता हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसकी हर एक टर्म को इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट ब्रैकेट की हर एक टर्म से इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके सबको, सो पहले इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। ओके ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, एक्स ब्रैकेट, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है। ओके मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स को मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। देखिए यहाँ पर भी यही आया, यहाँ वहाँ पर भी वही आया था, ठीक है। ऐसे चाहे ऐसे लिख दीजिए आप, ओके मतलब एक ही है, चाहे कैसे भी लिखिए। और अब देखते हैं 26th क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके सो अब हम 26th क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है ये। हाँ मैं नीचे देख देता हूँ, हाँ ओके तो देखते हैं क्या ये। ओके तो हमने नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं ये। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स रेस टू द पावर 4 हो जाएगा, तो देन ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये हो जाएगा 5x क्यूब माइनस, प्लस माइनस माइनस होता 10x होगा, 8x square 16। ओके सब देखते हैं कौन कौन से सॉल्व होंगे। ये तो x square है, ये x square है, ये x square है, ये x नॉर्मल, तो यही दोनों सॉल्व होंगे। चलिए कर लेते हैं हम सॉल्व, 10x square हो जाएगा माइनस 5x cube माइनस 10x प्लस 16। ओके ये बस चेक कर लेते हैं कुछ गलती तो नहीं हुई हमसे। ओके नहीं सब सही है, कोई मिस्टेक नहीं हुई हमसे। सो दिस वाज आवर 26th क्वेश्चन, नाउ लेट अस सी 27th क्वेश्चन। सो ये रहा 27th क्वेश्चन। ओके एक सेकंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक सेकंड रुक सर। ओके सो एक सेकंड सॉरी हम
सो चलिए 27th क्वेश्चन देखते हैं क्या आया। ये भी सेम ही है, ओके बस थोड़ा सा चेंज है, ओके। ओके तो पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बाद में जाके वो सॉल्व करेंगे। ये चलिए मैं नोट डाउन कर देता हूँ, प्लस चलिए पहले ये सॉल्व करते हैं, जगह भी नहीं देते हैं। ओके नाउ प्लस 4 8x 3x को 2x से मल्टीप्लाई किया, 3x को -3 से मल्टीप्लाई किया, 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x स्क्वायर, ओके। और 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9x, ओके। इसी तरह ये वाला किया, ओके। अभी देखिए सॉल्व हो रहा तो हो जाएगा -x, ओके। अब ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम में ये लिखेगा फर्स्ट पार्ट, ओके फर्स्ट पार्ट देन सेकंड पार्ट करके ऐसे सेकंड, ओके। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 × 8 = 8। अब देखिए ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, ओके। नाउ अभी फर्दर सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ ले आता हूँ उसको। अब देखिए इसमें हमें क्या बोला था कि 3x प्लस 4 ब्रैकेट प्लस 2x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 4, देख लो क्वेश्चन, या प्लस का साइन नहीं आना, एक सेकंड के सर, ओके। ऐसे समझ गए क्वेश्चन, ओके। सो देखिए इसको सॉल्व कर लिया, ये कितना आ गया 3x 6x² - x - 12 + ये कितना आ गया 5x² + 6x। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, फिर यहाँ जैसे ये यहाँ क्या है, जैसे देखिए 3x, ठीक है, फिर 2x - 3, ओके। मतलब क्वेश्चन लिखने के बाद आप फिर ये लिख दीजिए, एक साथ कर सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अभी ताकि क्लियर हो जाए आपको। तो देखिए अब ये सॉल्व हो रहा है, ये भी सॉल्व हो रहा है, और ये सब सॉल्व हो रहा है, तो चलिए कर लेते हैं। सो ये देखिए 5x² + 6x² = 11x²
प्लस सिक्स एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव एक्स, हो जाएगा माइनस 19। ओके सो ये हमारा आंसर है। मैं आपको एक बार वैसे करके दिखा दूँ जैसे मैं बोल रहा हूँ। ओके एक सेकंड रुके जरा, अब ये देखिए। इसकी बात कर रहा हूं मैं, ओके अब वो जो हमने इतने सारे स्टेप्स किए थे उसकी जगह डायरेक्ट हो जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, आज मैंने वो तरीका से कहा था, हम वैसे भी कर सकते हैं। ओके दोनों ही सही हैं। अब देखें वैसे ही हो गया ना, देखिए यहाँ पे भी तो सेम ही है, देखिए यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है, सेम सेम है ना दोनों। अभी ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ओनली ये एक्स स्क्वायर है। सो 11x को ये माइनस 9x है, ये प्लस का x, सो इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस x हो जाएगा पहले, फिर माइनस x 9x, ये माइनस 5x। ओके देखिए यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा है ना, ये देखिए कैसे आया, देखिए मैं समझाता हूँ। माइनस नाइन प्लस एट, ओके तो कितना हो जाएगा, ये वन होगा वो भी माइनस का, तो यहाँ माइनस एक्स बन गया था वो, फिर प्लस टेन एक्स बोल दिया हमें तो हो जाएगा नाइन एक्स पॉजिटिव का, अब बोल दिया माइनस फोर एक्स तो फाइव एक्स हो जाएगा ना प्लस का, मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, ओके प्लस होगा। ओके तो ऐसे भी कर सकते हैं आप चाहे तो। ओके सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।